सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट न्यू माया नगर हैपोवल वालों 20वां श्री गणेश महोत्सव जो मनाया जा रहा है रजिंद्रा मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गली नंबर 11 दुर्गापुरी विखे मनाया जा रहा है, जिस दे विच बहुत ही घूम के लोग पहुँच रहे। 19 सितंबर तो ये महोत्सव शुरू होया तो 28 सितंबर तक महोत्सव चलेगा, जिस दे विच रोज़ शाम को अलग अलग भजन मंडलियां गणपति का गुणगान करते हैं, तो 29 तरीक को विसर्जन होएगा दुराहा नहर। उत्साह जिदा आप महाराष्ट्र भी सुनिया सी कि लाइना बन के लोग आते हैं, तो इतने भी उही माहौल है बिल्कुल, जो भगत 6 बजे तो शुरू हो जाते हैं आना, तो रात के 11:30-12 बजे तक प्रोग्राम चलता, तो लाइन टुटती नहीं है, गणपति की कृपा है, भगतों का बहुत उत्साह। जी जी बच्चों बहुत ही ये मिलता, क्योंकि सुनते आ रहे थे कि महाराष्ट्र इस तरह होंगे, तो देखते आ रहे थे, अच्छ उन्होंने मौका मिले कि उन्होंने स्कूल के प्रांगण के ही गणपति दर्शन हो रहे हैं, तो बच्चे बहुत उत्साहित ने, अपने पेरेंट्स भी नाल लैके शाम को आ रहे हैं मत्था टेकन। गणपति महाराज विद्या बुद्धि के दाता ने, बच्चों इस तरह सदबुद्धि देने उन्होंने विद्या के होर तरक्की करने बच्चे। मंदिर ट्रस्ट के वलों जिहड़ा गणेश महोत्सव 20वां मनाया जा रहा, और रवि नंदन जी का उपराला है, बहुत वड्डा उपराला है, जेडे एडे वड्डे स्तर के उपर हर साल गणेश जी का बहुत दिल के नाल महोत्सव मनाते हैं, तो बहुत वड्डी तादाद दे विच दुनिया इत्थे भगवान के दर्शन वास्ते और उन्हां दा कीर्तन करती है। मैं सारी संगत नूं और खास करके रवि नंदन जी नूं बहुत बहुत वधाई दिंदा हां कि उन्हां दे उपराला सनातन धर्म के लिए बहुत वड्डा है, तो और मैं आस करता कि आने वाले वक्त के भी इदा ही ये सारा उत्सव चलता रहूँगा। गणेश जी का उत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर सिद्धि विनायक ट्रस्ट की तरफ से 20वां गणेश उत्सव हमारे हैपोवाल दुर्गापुरी में मनाया जा रहा है। ये 19 सितंबर से शुरू हुआ है और 28 सितंबर तक चलेगा, और आज जो है इसका 4वां दिन है, और आप जैसे देख ही रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ रही है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही यहाँ पर जो भक्त है उनका वो रश जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। आज के लिए तो ये है कि गणपति का उत्सव है, खूब इंजॉय करें, उनके जो एक स्वरूप के साथ में जो उनकी जुड़ी हुई उनके उसकी सुन के महत्ता है उसको पहचाने, और उसके हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करें, एक अच्छा इंसान बने, यही कहना चाहेंगे। कैसा रहा आज का प्रोग्राम? बहुत बढ़िया। आज जो है महिला सिद्धि विनायक महिला मंडल की तरफ से जो है गणेश जी को भेंट के स्वरूप में मेहंदी श्रृंगार का सामान और जो उनको पसंद है वो चीज़ें वस्तुएं भेंट की गई सभी महिला मंडल की तरफ से, और हमारी दुर्गापुरी एरिया की लेडीज़ की तरफ से ये चीज़ का आयोजन किया गया। स्पेशली स्कूल में करवा रहे हो, कहीं ना कहीं बच्चों को भी इस तरह के ज्ञान की जरूरत है। हाँ, मीन्स आज के जो दौर में चल रहे हैं उसमें जो बच्चों के ऊपर इन धार्मिक कार्यक्रमों का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि आजकल बच्चे अपने धर्म अपने संस्कारों से कहीं ना कहीं छूटते जा रहे हैं, तो उनको एक जोड़ने की कोशिश है। मेरा नाम दिव्या शर्मा है, और आज हम यहाँ पर सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा रजिंद्रा स्कूल में जो महोत्सव करवाया जा रहा है गणेश महोत्सव करवाया जा रहा है उसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं। ये हमारा 20वां महोत्सव है, इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम जो है वो सिद्धि विनायक मंदिर जो चूरपुर रोड पर है वहाँ पर भी चलते हैं, और बहुत ही धूमधाम से हम लोग ये सेलिब्रेशंस करते हैं। धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ ये सामाजिक कार्यक्रम भी होता है, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी सीख होती है कि हम साथ मिलकर अपने त्यौहारों को और अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। और आज राधाअष्टमी के पावन पर्व पर सभी महिलाएं हमारे मंदिर ट्रस्ट की और हमारे दुर्गापुरी एरिया की सभी यहां पर आए हैं, अपने अपने पसंद का भोग लेकर आए हैं गणपति जी के लिए, और अभी नाच गाकर हम सिद्धि विनायक जी की पूजा भी करेंगे, उनको रिझाने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ राधा जन्मोत्सव की भी खुशी मनाई जाएगी यहाँ पर। और हम सबसे यही कहेंगे कि एक बार प्लीज़ आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, ऐसा आनंद आएगा जैसा कि आप सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में बैठे हो और आपको पूरा मुंबई का नज़ारा यहाँ पर मिलेगा।